दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक कर दिया गया है और इसके साथ ही बहुत सारे और कुछ नए नए फैसले हुए हैं। हफ्ते की बात में हम इन तमाम विषयों को, तमाम इन बड़े समाचारों की तह में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि समाज के लिए, अवाम के लिए, देश के लिए क्या कुछ और हो रहा है। दोस्तों इसमें एक तो ये बड़ी बात है कि लॉकडाउन के साथ ही भारत सरकार ने जो बहुत पहले से जो मजदूरों के पक्ष में आवाज उठ रही थी और लोग जो राजनीतिक दलों के कह रहे थे, ट्रेड यूनियंस के कह रहे थे, मानवाधिकार संगठन कह रहे थे, अंततः भारत सरकार बहुत दिनों के बाद ये बात मान गई कि जो मजदूर फंसे हुए हैं या अन्य लोग जो फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, उनको ट्रेन से, रेलगाड़ी से राज्यों में भेजा जाए जहां के वो रहने वाले हैं, उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। लेकिन इन ट्रेनों के चलाए जाने को लेकर बड़ा दिलचस्प वाक्या सामने आया है। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल जैसे आनंद फानंद में हमारी सरकार कदम उठाती है कई बार, जैसे लॉकडाउन का ही आपको याद होगा, लॉकडाउन जब पहली बार लिया गया फैसला तो राज्य सरकारों के किसी भी कोई मशविरा नहीं किया गया था, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, यहां तक कि बीजेपी रूल स्टेट्स को भी नहीं थी और कुल मिलाकर अचानक ये फैसला हो गया था। ठीक उसी तरह से ट्रेन सुबह 4 या 5 बजे चलेगी, ये फैसला भी ऑल ऑफ सडन हो गया। और जब फैसला हो गया उसके बाद गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया कि क्या क्या इसके इसके ब्यौरे होंगे, क्या क्या इसके प्रावधान होंगे। उसमें एक बड़ा दिलचस्प प्रावधान है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और वो ये है कि जो टिकट है मजदूरों का, यानी हर मजदूर जो अपने गांव जा रहा है उसका जो खर्चा, यानी टिकट का जो खर्चा ट्रेन का है, वो भारत सरकार वहन नहीं करेगी। वो उन राज्य सरकारों पर उसका जिम्मा छोड़ा गया है जहां से ट्रेन खुलेगी या जहां जाएगी। इसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी या क्या होगी, या जहां पर डिस्टिनेशन है, जो गंतव्य स्थान है ट्रेन का, वहीं की सरकार केवल पैसा देगी, ये अभी आई थिंक इसको हल किया जाना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि राज्य सरकारों को ये खर्चा देना पड़ेगा। अब राज्य सरकारें पहले से भी बहुत ही बेहाल हैं, आर्थिक रूप से तंगी में है, जीएसटी का उनका इंस्टॉलमेंट जो होना चाहिए था अब तक आ जाना चाहिए था वो भी नहीं आया है। कोई ऐसी राज्य सरकार देश की शायद नहीं है जो भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता कोरोना के इस दौर में नहीं मांग रही है। कई राज्य 30,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की मांग कर रहे हैं और उन्हीं राज्यों पर ट्रेन किराए का, फिर बसों का भी इंतजाम करना है, उनके क्वारंटीन का भी इंतजाम करना है, अगर जरूरत है आइसोलेशन में जाने की, हॉस्पिटलाइजेशन की, वो इंतजाम भी करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक विवाद का विषय बना रहेगा। दोस्तों इसके साथ ही लॉकडाउन के साथ एक और फैसला लिया गया है जो हमारे जो आर्मी के तीनों आर्मी के जो चीफ हैं उनकी अगुवाई करते हुए, जो हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देश को बताया कि हम जो आर्मी के लोग हैं, जो वायुसेना के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस COVID-19 से समाज को, लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनका खैर मकदम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए वो फ्लाई पास्ट करेंगे और वारशिप्स भी इसमें जुटेंगी। बहुत सारा इस तरह का एक, क्या कहेंगे आप उसको, एक अभिनंदन का पूरा परेड नुमा एक पास्ट होगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका से हम इन चीजों को इमिटेट, यानी नकल उनकी कर रहे हैं, ये पहले वहां हो चुका है और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है। पहले हमने ताली थाली वगैरह बजाई, मोमबत्ती जलाई वगैरह वगैरह, बिजली बुझाई, बिजली जलाई, अब ये तीसरी बार हम आर्मी को और जो हमारी जो 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 कमान है उसको इसमें लगाया जाएगा, सैन्य कमान को। इस पर बहुत सारे जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अब उसमें जनरल जो हैं बड़े बड़े, मेजर जनरल विपिन, ये मेजर जनरल धनवा साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रकाश मेनन साहब हैं, ये दोनों अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, वीरेंद्र धनोवा, इसके अलावा भी बड़े ऑफिसर्स जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, जो सीनियर हैं और जिनको माना जाता है कि बहुत जानकारी है सैन्य संचालन और सैन्य मामलों की, वो लोग भी इसको ये कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी तमाशा है। अब ये गैर जरूरी तमाशा है कि नहीं है,
ये तो आवाम तय करेगी, आप लोग तय करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि अस्पतालों को, अब जैसे उनका कहना है कि हेलीकॉप्टरों से हम फूल बरसा करेंगे अस्पतालों पर, लेकिन आप फूल बरसा की अस्पतालों को जरूरत है या पीपीई की जरूरत है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए पहनाया जाता है, उनकी पोशाक एक खास होती है जिससे डॉक्टरों को इन्फेक्शन ना हो। हम सब जानते हैं कि देश में कई जगहों पर डॉक्टर्स तक उनकी मौत हुई है इन्फेक्शन से, कई जगह नर्सेज प्रभावित हुई हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उपकरणों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बेड्स की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है। तो हम वो काम नहीं करें, हमें किट्स की जरूरत है, खासकर टेस्टिंग किट्स की। आप जानते हैं कि चीन से बहुत सारी जो टेस्टिंग किट्स आई थी वो वापस चली गई क्योंकि उसमें डिफेक्ट पाया गया था। तो हमारा ये कहना है कि जो जरूरी चीजें हैं उनका इंतजाम तो हो नहीं पा रहा है, गैर जरूरी चीजों पर हम उलझे हुए हैं। तो अगर जैसा कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे हैं कि आर्मी को, सेना को या वायुसेना को इस काम में नहीं उलझना चाहिए इस तरह के गैर जरूरी तमाशे में, अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उस पर मैं आवाम को, मैंने समाज को ये सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। बहुत सारे जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, मानवाधिकार संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दौर में जबकि लोगों से कहा गया था कि इस समय माहौल ऐसा है समाज का, देश का, दुनिया का, कि लोगों को करुणा की जरूरत है, समाज को करुणा की जरूरत है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में करुणा का आह्वान किया था, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। जिस दौर में लोगों को दवा की, समझदारी की, करुणा की जरूरत है, उस दौर में दिल्ली और आसपास के इलाकों में अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही हैं। और किन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये दमन का चक्र किन लोगों पर चल रहा है, ये वे लोग हैं जो CAA और NRC NPR वगैरह को लेकर आंदोलन कर रहे थे या उस पर प्रतिरोध कर रहे थे, अपनी असहमति जाहिर कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में जो लोग शामिल थे, खासकर जो उनके अगुआ दस्ते में थे या उनके आगे की कतार में थे, उनको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दिल्ली के दंगों में शरीक थे या दिल्ली के दंगों को इंस्टिगेट करने वाले लोग हैं, इसलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और बताया जाता है कि अब तक 45 से अधिक ऐसे नौजवानों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मैं आपको कुछ एक नाम बता दूं, ऐसे भी लोग शामिल हैं जैसे शाफुरा जरगर एक स्कॉलर हैं और जामिया की, और ये स्वयं शादीशुदा हैं और ये 3 महीने का बच्चा इनके पेट में है। डॉक्टर्स जो हैं इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, मेडिकल जांच है कि वो एक मां बनने वाली हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी इस दौर में, कोरोना के दौर में, जबकि जेलों में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं एक ऐसी माँ को जो बच्चा जिसको होने वाला है। दूसरी बात, मीरान हैदर एक उनकी सहेली हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। खालिद सैफी और इशरत जहां जैसे लोग पहले से गिरफ्तार हैं। इस बीच में आप जानते होंगे कि बहुत सारे लेखकों और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, इनको दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया गया था। तो ये दवा दारू जब जरूरी है तब ये दमन का चक्र, मैं समझता हूं कि आज के दौर की एक बड़ी विस्मयकारी घटना है। इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर ये दौर कहां तक चलेगा। और दोस्तों, चलते चलते हम आपको एक तीसरी खबर कहकर अपनी बात खत्म करते हैं कि 20,000 करोड़ में जो सरकार सेंट्रल विस्टा यानी पार्लियामेंट और विजय चौक के आसपास के पूरे इलाकों में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का पुनर्निर्माण करने जा रही थी बिल्कुल नए ढंग से, उसमें इस वक्त भारत सरकार ने उसका जो पर्यावरण क्लियरेंस है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, वो नई संसद बनाने के लिए दिया जा चुका है। और वो जो योजना है उसको अमली जामा पहनाए जाने को एक तरह से पूरी तरह ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो दोस्तों, हफ्ते की बात में इस बार बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.